गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? तो अभी सुबह सुबह का रूटीन, सबसे पहले टफी को घुमाना, एरी टफी, तो इसको घुमा रहे हैं। और मौसम जो है काफ़ी ठंडा हो रहा है, बहुत अच्छी तेज़ हवाएं चल रही है, तो बहुत मज़ा आ रहा है इस मौसम में। और कल हमने जो है शूट पे काफ़ी मज़े किए, बहुत मज़ा आया। मेरे घर पे भी कुछ सीन शूट हुए और वहाँ खेत में भी कई सीन शूट किए थे। अनलकीली मैं ज़्यादा सीन व्लॉग में डाल नहीं सकता, क्योंकि फिर उनकी वीडियो जो है वो रिपील हो जाएगी, और मैं ज़्यादा सीन शूट भी नहीं कर पाया था। और जो एक आध सीन शूट किए वो अभी पहले डाल नहीं सकता मैं, उनकी वीडियो आने के बाद ही डालेंगे। और आज का तो कुछ प्लान है नहीं, अब आज देखते हैं क्या करना है। तो बने रहना व्लॉग के अंदर, आपको दिखाएंगे आगे। तो ये देखो, सुबह टफी को घुमा के आया था, तब से मैंने इसको बाहर निकाल रखा है। और मैं बाहर टफी अब गुस्सा हो गई है कि बाहर क्यों छोड़ रखा है, तो देर से हो गया कम से कम एक डेढ़ घंटा। क्या हुआ टफी? टफी आजा आजा, आ गई आ गई। नहीं इतना गुस्सा, शक्ल देखो इसकी, शक्ल प्यारी थी शक्ल। क्या हुई, क्या हुआ टफी को? चलो तो ये हो गई फिर से पूरी तैयार खेलने को। अभी जो इसको अंदर कर देंगे वापस, क्योंकि कब बहुत देर से बाहर आई है। अब देखो गेट खुलती कैसे अंदर भगी है, ये बात अब रुकेगी नहीं, इसी तो अंदर ही जाएगी। देखो रुक नहीं रही, इसको लग रहा है वापस बाहर ना निकाल दूँ मैं, तो यहाँ ये बैठी रहती है। ये इसकी जगह बैठने की, यहीं बैठी रहती है हमेशा। ये छोटा सा फंटा लगाते थे, इसको कूद की भी नहीं आती है। अभी आपको दिखाऊं, तो ये लगा दिया फंटा। टफी चलो आजा आजा, तो इसको कूद की भी नहीं आ रही है, बैठी हुई है बस, खड़ी हुई है। आजा चले, तो देख रही है कि जगह तो है ही नहीं, तो ये रहता है। इसको हम इतनी सी जगह पे घुसा देते हैं अंदर, और ये बाहर नहीं निकलती बिल्कुल भी, वहीं बैठी रहती है। कितनी ही आवाज़ दे लो बाहर नहीं आती, जब तक फंटा नहीं हटाएंगे तब तक वहीं रहेगी। कोई भी आ जाए, कुछ भी कर लो, नहीं आती बाहर। तो अभी जो मैं टफी को ले आया था अंदर, तो ये देखो कैसे सो रही है, ये मस्त एकदम कैसे पड़ी हुई है। तो बाहर जो है ये खेल रही थी गिलहरियों के साथ में, काफ़ी मज़े कर रही थी गिलहरियों के साथ में, और बहुत देर खेली है गिलहरियों के साथ में। तो इसको अंदर ले आया, और अब एक घंटा हो गया ऐसी सो रही है, वो हिल भी नहीं रही, कितनी आवाज़ें दे ली, बहुत गहरी नींद में सो रही है। और अभी एक दिक्कत हुई है, मेरे को व्लॉग एडिट करना है और वो अनबॉक्सिंग वाली वीडियो एडिट करनी है, पर पापा जो हैं लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं पिछले 3 घंटे से, और अपना कुछ काम कर रहे हैं लैपटॉप में, तो मैं ना तो व्लॉग एडिट कर पा रहा हूँ ना अनबॉक्सिंग वीडियो एडिट कर पा रहा हूँ, बस ऐसे ही फ़ोन चला रहा हूँ बैठे बैठे। तो देखते हैं कब पापा लैपटॉप फ्री करते हैं, फिर एडिट करके फिर अपलोड करूँगा। तो आज का दिन तो पूरा इसी में निकल जाएगा शायद, कि एडिटिंग में भी टाइम लगता है, फिर अपलोड होने में टाइम लगता है। तो देखते हैं जो टाइम मिलता है, कोई ना कोई एक वीडियो एडिट करनी पड़ेगी, अपलोड करनी है। तो फाइनली अब 4 घंटे बाद लैपटॉप मिल गया है, क्योंकि पापा जो है बाहर गए हैं ऑफिस, तो अब लैपटॉप छोड़ के चले गए। पहले बोल रहे थे लेके जा रहा हूँ, फिर अब वो छोड़ गए ताकि मैं एडिटिंग वगैरह कर सकूँ। और अभी मैं बालकनी में खड़ा हूँ, और मौसम बहुत शानदार हो रहा है। देखो बहुत अच्छी हवाएं चल रही है, ठंडी ठंडी, और बहुत मज़ा आ रहा है बालकनी में खड़े होके। अभी पहले चलते हैं
पहले नहाऊंगा, उसके बाद में एडिटिंग करेंगे, तो बने रहना ब्लॉग के अंदर। आज आपको एडिटिंग करने के सीन दिखाऊंगा। तो अभी मैं बस नहा के निकला हूँ और तैयार हो रहा हूँ, तो फिर उसके बाद में वीडियो एडिटिंग करेंगे, तो आपको मेरे वीडियो एडिटिंग के सारे सीन दिखाऊंगा कि कैसे मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह सब करता हूँ। तो ये बन गए बाल और हो गए हम तैयार। तो आपको लेके चलता हूँ सीधा मेरे डेस्कटॉप पे, मेरे लैपटॉप के ऊपर, तो चलते हैं। तो ये आ गया मैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं बस एडिटिंग कर रहा हूँ जल्द से जल्द। ये पहनी हेडफोन जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको दिखाता हूँ मेरी स्क्रीन। तो ये मेरी वीडियो अभी लगा रहा हूँ मैं और वीडियोस, तो पूरी एडिट होने पर आपको दिखाऊंगा। वो तो खैर यूट्यूब पे आएगी तो आप देख लेंगे कि कैसे एडिटिंग हुई है और क्या है इस वीडियो में। काफ़ी देर से एडिटिंग कर रहा हूँ और काफ़ी एडिटिंग हो चुकी है। तो अभी पहले आप चाय बनाता हूँ क्योंकि एडिटिंग के बाद चाय पीते हैं तो माइंड बहुत अच्छा रहता है। तो आपको लेके चलता हूँ चाय बनाने। तो ये आ गए मेरी चाय बनाने, मेरा फ्रिज और तेल, दूध भी थोड़ा सा ही बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं बचा। तो चाय थोड़ी सी बनानी पड़ेगी क्योंकि दूध ख़त्म हो गया, तो शाम को मम्मी को चाय नहीं मिलेगी, फिर मुझे लेने जाना पड़ेगा। और ये चीनी, तो अभी मेरा पोपट हो गया, मैंने बाद में देखा कि सामने भगोनी में बहुत सारा दूध रखा हुआ है। मैंने फ्रिज में से दूध निकाला, उसमें थोड़ा सा ही था, तो अभी चढ़ा दिए चाय, थोड़ी सी चाय बना रहा हूँ। ज़्यादा बनानी आती भी नहीं, मैं ज़्यादा छेड़छाड़ करूँगा तो ख़राब हो जाएगी। तो ये बन रही हमारी चाय और इस भगने में दूध रखा हुआ है बहुत सारा। खैर कोई नहीं, अब जो है उसी से काम चलाएंगे। बन जा चाय, बन जा। तो सलोरा टीवी की अनबॉक्सिंग वीडियो एडिट हो चुकी है, अब बस मैं उसको रेंडरिंग पर लगा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये रही सलोरा का टीवी, ऐसा कुछ दिखता है। अब इसको मैं यहाँ से रेंडरिंग पर लगा रहा हूँ। 862 MB इसका साइज़ है, 720p HD क्वालिटी में। तो ये लगा दी मैंने इसको रेंडरिंग पे, तो ये वीडियो अब रेंडर हो रही है। फिर आज रात तक नहीं तो कल सुबह इस वीडियो को मैं पोस्ट कर दूंगा, तो आप यूट्यूब पे इसको देख सकते हैं। और अभी जो हो गई है शाम हो गई है, तो आप बाहर जाएंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, मौसम का हाल देखेंगे। मौसम अगर अच्छा होगा तो मौसम के काफ़ी मज़े लेंगे, तो बने रहना ब्लॉग में। तो मौसम काफ़ी बढ़िया हो रहा था इसलिए मैं यहाँ मोहनपुरा बालाजी जी के दर्शन करने आ गया, और दर्शन मैंने पहले कर लिए। पहले मुझे पता नहीं था कि वीडियो शूट करना अलाउ है यहाँ पे, तो आपको बाहर से दिखा देता हूँ। ये यहाँ का मंदिर है, ऐसे यहाँ बजरंगबली जी हैं, बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। तो अच्छा मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। और सैटरडे को यहाँ पे काफ़ी भजन वगैरह होते हैं, तो किसी दिन आके आपको वो भी दिखाएंगे। और अभी मैं जा रहा हूँ वापस घर, जिम जाया है, वहाँ की बातचीत सारी कर ली और अब वापस यहाँ से घर जा रहा हूँ। तो अभी जिम में भी बात कर आया और मोहनपुरा बालाजी के भी दर्शन कर आया।
मौसम बाहर काफ़ी अच्छा है, और जिम की बात करूँ तो जिम हमें शायद कल से ज्वाइन कर लूँ। और पापा आएंगे तो पापा से बात करके डिस्कशन करके फिर जिम ज्वाइन करूँगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। वैसे अगर चांसेस हैं कि पापा ज्वाइन करा देंगे तो अब देखते हैं, करता हूँ या नहीं करता हूँ। बात तो करी आया, सर का नंबर भी ले आया, और अब अभी का मैंने कुछ सोचा नहीं है मैं क्या करूँगा, क्योंकि जो वीडियो है अनबॉक्सिंग की वो रेंडर हो रही है, 50% के लगभग रेंडर हो चुकी है। तो ये रेंडर हो जाएगी, फिर इसके बाद में इसको या तो अभी शाम को या फिर कल सुबह जल्दी इसको पोस्ट कर दूँगा।